वेलकम फ्रेंड्स, हम सभी लोग हेलो एल्केन और हेलो एलिन के अंतर्गत अपने पिछले वीडियो में ब्रोमो एथेन या एथिल ब्रोमाइड के बारे में पढ़ चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग क्लोरोफॉर्म को डिस्कस करेंगे। क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3 और जिसका IUPAC नाम है ट्राइक्लोरोमेथेन। देखिए, तीन क्लोरीन है इसलिए ट्राइक्लोरो और एक कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा मेथेन। कुछ लोग 111 ट्राइक्लोरोमेथेन बोलते हैं, वो नाम सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 111 लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर कार्बन एक ही है, इसलिए हमें इसका नाम क्या बोलना चाहिए, ट्राइक्लोरोमेथेन। अब हम बात करते हैं इससे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आता है। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक का पिछले वीडियो से कोई भी लेना देना नहीं है, इसलिए जिन टॉपिक या ये जो टॉपिक है वो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी बच्चे इस टॉपिक को पूरा देख करके अपनी कॉपी पर लिख लें और अच्छे से याद कर लें। इस टॉपिक में हम बहुत सारी अच्छी रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। जितनी बार आप रिएक्शन लिखोगे उतना अच्छा आपको याद होगा। केवल कहानी सुनने से या वीडियो सुनने से आपको केमिस्ट्री नहीं आएगी, आपको पेन और कॉपी दोनों उठाना पड़ेगा, क्योंकि पेन और कॉपी को जब आप उठाओगे तो आप वहां पर रिएक्शन नहीं लिखते हो, आप अपना भविष्य लिखते हो कि आप भविष्य में किस डायरेक्शन में आगे जाओगे। इसलिए सभी बच्चे मेरे टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कान में अपनी लीड लगा लें, जिससे इस टॉपिक को आप ही सुने, आपके पड़ोसी या आपके जो घर वाले हैं वो डिस्टर्ब ना हो। पेन कॉपी साथ में रखें और स्टार्ट करें लिखना। हम बात करते हैं इसका क्वेश्चन आता कैसे है। ये क्वेश्चन सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करो। बोर्ड पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करो, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है। उसके आगे भी लिखा हुआ है, वो क्वेश्चन हम पहले इतना सीख लेते हैं तब उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। आप सभी लोगों को हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी हमसे सचित्र वर्णन का क्वेश्चन आएगा तब हम उस क्वेश्चन के 3 हिस्से कर लेंगे। पहला हिस्सा होगा सिद्धांत, जिसमें हम समीकरण का वर्णन करेंगे, उसकी इक्वेशन लिखेंगे कि वो कैसे बनता है। उसके बाद हम चित्र बनाएंगे कि वो विधि क्या है और उसके बाद उस चित्र के सहायता से विधि का वर्णन करेंगे। तो ये हमारा लिखने का फॉर्मेट है। क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, क्लोरोफॉर्म का सिद्धांत और विधि ये कैसे याद रखेंगे, उससे पहले आपको कुछ सूत्र याद होने चाहिए। मैंने आपको फिर बताया कि इस टॉपिक का संबंध पिछले वीडियो से नहीं है। जिन लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उन सभी को ये वीडियो समझ में आएगा। बस आप केवल साथ में प्रैक्टिस कर लीजिए। साथ में प्रैक्टिस करने का मतलब है, सबसे पहले आप ये फॉर्मूले जो बोर्ड पे लिखे हुए हैं उसको आप याद कर लीजिए। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, या कुछ कभी कभी इसको C2H5OH भी कह देते हैं, इसको हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल। दूसरा फॉर्मूला होता है एसीटैल्डिहाइड का, जिसका सूत्र होता है CH3CHO। तीसरा सूत्र होता है एसीटोन का, जिसका सूत्र है CH3COCH3। ये लिखे हुए बोर्ड पे, एथिल अल्कोहल, एसीटैल्डिहाइड, एसीटोन। उसके बाद एक चौथा सूत्र है ब्लीचिंग पाउडर का, जो सूत्र में क्या होता है, CaOCl2। इसके बाद पांचवा सूत्र याद कर लीजिए, अगर याद कर सकते हैं आप खुद से देखिए, CCl3CHO। थोड़ी देर के लिए सोचो, ये आपने क्या सीखा है, CH3CHO का नाम क्या था, एसिटैल्डिहाइड। एसिटैल्डिहाइड में 3 H हटा के हमने क्लोरीन लगा दिए, तो इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम, ट्राई क्लोरो एसिटैल्डिहाइड। इसका एक और नाम हो सकता है ट्राई क्लोरो एसिटैल्डिहाइड, या इसी का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरल। ठीक है, ट्राई क्लोरो एसिटैल्डिहाइड का ही नया नाम है क्लोरल। और ये लास्ट में कैल्शियम फॉर्मेट है, आप थोड़ा समझिए, ये फॉर्मिक अम्ल होता है, HCWS जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक अम्ल, और ये है कैल्शियम, ये फॉर्मेट आयन है और ये कैल्शियम आयन है। इसकी वैलेंसी कितनी है, 1- है, इसकी वैलेंसी है 1, इसमें 2+ है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, CaHCWO का होल ट्वाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट। अगर हम मान लो यहां पर R लिख देते तो ये हो जाता कार्बोक्सिलेट, जनरल नाम है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, RCOOH, तो RCOO- को हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेट। तो कार्बोक्सिलेट का सूत्र क्या होगा, CaRCOO का होल ट्वाइस, इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। अगर मान लो हम R की जगह CH3 रख देते तो आप बताओ ये सूत्र क्या हो जाता, एसिटेट। तो ये जो अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं CH3COO का होल ट्वाइस, तो इसका नाम क्या होता, कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम कार्बोक्सिलेट। तो ये नाम आप याद कर लीजिए, जब तक आपको नाम याद ना हो तब तक आप सिद्धांत की प्रैक्टिस मत करिएगा। ये नाम लिखे हुए हैं, इसको आप बोर्ड पर
से अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, केवल नाम लिखिए और सूत्र को तुरंत याद कर लीजिए और 10 मिनट बाद मेमोराइज करिएगा कि वो आपको याद हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। अगर आपको ये सूत्र याद हो जाते हैं तब हम बात करते हैं सिद्धांत की। देखिए सिद्धांत में आपको क्या याद रखना है कि देखिए लिखना क्या है, भाषा हम बाद में पढ़ेंगे, एथिल अल्कोहल अथवा एस्टेल्डिहाइड अथवा एसीटोन, इन तीनों में से कोई एक ले लीजिए, एथिल अल्कोहल अथवा एस्टेल्डिहाइड अथवा एसीटोन, और उसकी रिएक्शन किससे कराइए, किससे कराइए, ब्लीचिंग पाउडर से। तो हमको रिजल्ट क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म, और साथ में ये मिलेगा, मतलब ये का मतलब इस तरह का कोई कंपाउंड मिलेगा। हमने अभी कार्बोक्सिलेट एसिटेट फॉर्मेट बताया ना, तो इस तरह का मिलेगा। बट फाइनली हमारी लैंग्वेज क्या हो जाएगी कि जब एथिल अल्कोहल अथवा एसिटेल्डिहाइड अथवा एसीटोन की क्रिया जब हम ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म की प्राप्ति होती है। बस इतनी भाषा लिख ली। अब क्लोरोफॉर्म की प्राप्ति होती है भाषा आपने लिख ली, मगर अगर समीकरण नहीं लिखते हैं तो हमें नंबर नहीं मिलेगा। तो अब हम समीकरण को लिखते हैं, समीकरण कैसे याद रखेंगे उसके लिए आप साथ में प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक बार आप देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, उसके बाद फिर आपको यही चीज कम से कम 5 बार लिखनी है। सबसे पहले ये हमारे पास है ब्लीचिंग पाउडर, नाम नहीं लिखा हूं मैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन हमने कैसे कराई जल से, तो हमको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम बोल रहा हूं लिख लीजिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा और हमको मिलेगी क्लोरीन गैस। ये स्टेप नंबर 1 है, स्टेप 1 पहला स्टेप है। उसके बाद स्टेप नंबर 2, दूसरे स्टेप में क्या होगा, अगर मान लो हमने एथिल अल्कोहल लिया CH3 CH2OH लिया, तो ये जो क्लोरीन है वो एथिल अल्कोहल से रिएक्शन करेगी और इसको बदल देगी। देखिए एथिल अल्कोहल में ये जो 2H है ये क्लोरीन के साथ निकल जाएंगे, किस रूप में, HCl के रूप में। अब आप बताओ H तो निकल गया, अब बचा क्या, उसको कैसे लिखेंगे, CH3CHO, इसको नाम आपने अभी आज सीखा ना, इसको क्या बोलते हैं, एसीटेल्डिहाइड। अब जो एसीटेल्डिहाइड है स्टेप नंबर 3, ये जो एसीटेल्डिहाइड हमारा बन गया CH3CHO जो हमारा बन गया, उसकी रिएक्शन अब हम किससे करेंगे, फिर क्लोरीन से करेंगे। आपकी क्लोरीन का एक अणु नहीं 3 अणु यूज होंगे, क्यों यूज होंगे, क्योंकि यहां पर जो 3H है वो 3H Cl के साथ निकल जाएंगे, किस रूप में, 3HCl के रूप में निकल जाएंगे, और जो हमारा 3 क्लोरीन है वो उसकी जगह आ जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, CCl3CHO, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरल। और फिर आएगा लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4। इस स्टेप नंबर 4 में क्या होगा, जो CCl3CHO था मीन्स जो क्लोरल था, अब वो इससे रिएक्शन करेगा, ये कौन है, इसका नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे CaOH के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो हम लोगों को मिलेगा क्लोरोफॉर्म के 2 अणु CHCl3 2 मोल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म मिलेगा, प्लस HCOO का होल ट्वाइस CA मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। इस तरह से ये हमारे पास ओवरऑल 4 स्टेप की रिएक्शन है। बहुत ध्यान से अच्छे से याद करना है आपको, जल्दी से याद हो जाएगा, बस आप केवल साथ में मेरे प्रैक्टिस करिए। सबसे पहले लिखिए आप ब्लीचिंग पाउडर, उस पर H2O की रिएक्शन कराइए, तुरंत क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस, और क्या मिलेगा, Cl2। फर्स्ट रिएक्शन याद होगी, इसको 3 बार लिखिएगा। उसके बाद अब एथिल अल्कोहल से शुरुआत करते हैं, तो एथिल अल्कोहल की रिएक्शन इस क्लोरीन से होगी, और ये जो 2H है निकल जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, एस्टेल्डिहाइड। देखिए 2H 2HCl के रूप में निकल जाएंगे, और बचा हुआ चीज क्या था, CH3CHO एस्टेल्डिहाइड। अब जो एस्टेल्डिहाइड है उस पर फिर 3 क्लोरीन की रिएक्शन कराइए, तो ये 3H थे वो 3 क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, CCl3CHO + 3HCl, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरल। और इस क्लोरल की रिएक्शन हम किससे करा देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्यों याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे पेपर में पूछा जाता है कि क्या होता है जब व्हाट हैपेंस, एथिल अल्कोहल रिएक्ट विद ब्लीचिंग पाउडर, एथिल अल्कोहल की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं, तो आपको यही 4 स्टेप लिखने पड़ेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर की जल से क्रिया कराएंगे, क्लोरीन मिलेगा, क्लोरीन पहले
एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेगा, फिर उसका क्लोरीनीकरण करेगा और फिर उसका छारीय अपघटन हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। मान लो अगर हमने एथिल अल्कोहल न लिया होता, हमने एसिटाल्डिहाइड लिया होता, तो यही रिएक्शन हमको फिर लिखनी पड़ती, बट स्टेप नंबर दो हट जाता। क्यों? हमने तो एसिटाल्डिहाइड लिया। आप बताओ स्टेप नंबर दो में एसिटाल्डिहाइड ही तो बन रहा था, अगर हमने शुरुआत में ही एसिटाल्डिहाइड ले लिया तो अब ये हो रहा था हमारा स्टेप नंबर वन, और ये हो रहा था स्टेप नंबर टू, और ये वाला स्टेप नंबर क्या हो रहा था, थ्री। इस तरह से हमारा ये क्लोरोफॉर्म तैयार हो जाता अगर हमने क्या लिया होता, एसिटाल्डिहाइड। मतलब स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर थ्री। मतलब जब आप अपनी कॉपी पर लिखेंगे तो एथिल अल्कोहल वाला जब आप डिटेल लिखेंगे कि जब हम प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है, तो आपको समीकरण कितने लिखने हैं, चार, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर। और उसके बाद अथवा करके लिखेंगे, यदि आपने कॉपी में लिख दिया कि जब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं तो क्लोरोफॉर्म मिलता है, तो आपको स्टेप नंबर एक लिखना है, स्टेप नंबर दो लिखना है और स्टेप नंबर तीन लिखना है। मान लो आपने ये नहीं लिखा, आपने लिखा कि जब हम एसीटोन की क्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं तो फिर हमें यहां पर एसिटाल्डिहाइड ना लेकर के एसीटोन लिखना पड़ेगा, CH3COCH3 लिखना पड़ेगा। आप बताओ तीन क्लोरीन अब भी रिएक्शन करेंगे, तीन सीएल हट जाएंगे, तो यहां क्या मिलेगा, CCl3COCH3। अब बताओ एसीटोन में तीन क्लोरीन आ गए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राई क्लोरो एसीटोन। इसको नाम क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो एसीटोन। और ट्राई क्लोरो एसीटोन की रिएक्शन, अभी ये ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड था, अब यहां पर क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो एसीटोन की रिएक्शन किससे कराएंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, तो हमको क्या मिलेगा, क्लोरोफॉर्म। और यहां पर अब हमको CH3CO का होल ट्वाइस CA मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, तो देखिए तीन अलग अलग मेथड है, आपको पेपर में कोई एक लिखना है। ठीक है, आप भाषा तो लिखोगे तीनों की, मगर डिटेल लिखना है एक का, या तो एथिल अल्कोहल, या तो एसिटाल्डिहाइड, या फिर एसीटोन। भाषा क्या चलेगी कि प्रयोगशाला में एथिल अल्कोहल अथवा एसिटाल्डिहाइड अथवा एसीटोन की क्रिया जब हम ब्लीचिंग पाउडर से कराते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, और उसके आगे समीकरण लिखोगे। अगर आप एथिल अल्कोहल का लिखना चाहो तो चार समीकरण, एसिटाल्डिहाइड का लिखना चाहो तो तीन समीकरण, और एसीटोन का लिखना चाहो तो तीन समीकरण, ये बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इस तरह से ये हमारी प्रयोगशाला विधि का सिद्धांत है, और ये तीनों क्वेश्चन क्या होता है जब मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछे जाते हैं, तो आपसे जब क्या होता है, जब भी पूछा जाता है तो भी आप इन क्वेश्चनों का आंसर इसी तरह से लिखोगे। तो इस सिद्धांत के बाद अब हमारा अगला स्टेप होता है चित्र और फिर उसका वर्णन। तो आइए हम देखते हैं इसका चित्र और फिर उसका वर्णन किस प्रकार करते हैं। देखिए सिद्धांत के बाद अब हमारा जो सेकंड पार्ट था वो था उपकरण या चित्र, कि हम लोग प्रयोगशाला में जब हम कोई चीज बनाते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन सी चीजों की आवश्यकता होती है। देखो जितनी भी चीजें आपको ये दिख रही है, ये मैं प्रैक्टिकल सेगमेंट में आपको एक एक चीज के बारे में डिस्कशन डिटेल से बताऊंगा कि कौन सी चीज कैसे यूज करते हैं हम लोग। फिलहाल अभी उस सेक्शन को हटके अभी मैं इसको देखता हूँ। ये जो गोल पेंटिंग का जो फ्लास्क दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, आसवन फ्लास्क, डिस्टिलेशन फ्लास्क बोलते हैं। इसमें चीजों को हम बॉइल करते हैं। अब अगर सीधा फ्लास्क अगर इस बर्नर के कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो ये चटक सकता है, कांच का रहता है, इसलिए इस फ्लास्क को हम एक बाउल में रखते हैं जिसमें ऑलरेडी जल भरा रहता है। पहले जल गर्म होता है और फिर वो फ्लास्क गर्म होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, जल ऊष्मक। और गर्म करने के लिए लगा हुआ है बर्नर। ये फ्लास्क को एक स्टैंड पर हमने कस लिया है, फ्लास्क में हमने एक नली लगाई है, निकास नली, और निकास नली के या निकास नली से हमने ये जो चीज है इसके अंदर जल भरा हुआ है नीले रंग का, इसको बोलते हैं जल संघनन, ये वाटर कंडेंसर बोलते हैं। इसके अंदर जैसे कोई गर्म भाप आती है, वाष्प आती है, तो वो ठंडी हो जाती है। संघनित्र का मतलब है जो वाष्प को द्रव में बदल दे, उस प्रक्रिया को बोलते हैं संघनन। तो ये संघनित्र है, जल उसको ठंडा कर रहा है, तो संघनित्र का एक हिस्सा जोड़ दिया इस नली से, और संघनित्र का दूसरा जो सिरा था वो किससे जोड़ दिया, ग्राही से। तो ये जितने भी सामान दिख रहे हैं इनके नाम आपको दिख रहे हैं, इसका नाम है आसवन फ्लास्क, जल ऊष्मक, स्टैंड, बर्नर, जल संघनित्र और ग्राही। अब इसके विहाव पर हम अपनी भाषा को बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे विधि। देखो सिद्धांत मैंने यहाँ पर फिर से लिख दिया, अभी अभी आपको बताया था कि ब्लीचिंग पाउडर जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, क्लोरीन बनाएगा, वो क्लोरीन एथिल अल्कोहल से क्रिया करके एसिटाल्डिहाइड बनाएगा,
एसिटाल्डिहाइड पर फिर क्लोरीन से रिएक्शन होगी, क्लोरल बनेगा और क्लोरल फ्लास्क में कैसे बदल जाएगा क्लोरोफॉर्म में। और ये फ्लास्क में देखो हमने तीनों चीजें ले रखी है, एथिल अल्कोहल लिया है, क्लोरोफॉर्म सॉरी ब्लीचिंग पाउडर लिया है और जल लिया है। तो अब हमारी भाषा क्या हो जाएगी कि ये गोल पेंदी के फ्लास्क में, ये गोल पेंदी के फ्लास्क में या ये गोल पेंदी के आसवन फ्लास्क में हम ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ पेस्ट बना लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर लेंगे और उसमें पानी मिला लेंगे, लगभग दो गुना पानी मिलाते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर और पानी को मिलाकर पेस्ट बना लेते हैं और उसमें फिर क्या मिलाते हैं एथिल अल्कोहल, इसकी जगह पर आप एसीटोन भी ले सकते हो, एसिटाल्डिहाइड भी ले सकते हो। तो हम क्या बोलेंगे कि ये गोल पेंदी के फ्लास्क को स्टैंड पर कस लेते हैं और उसमें ब्लीचिंग पाउडर तथा जल से बने हुए पेस्ट में एथिल अल्कोहल अथवा एसीटोन मिला दिया जाता है। इस फ्लास्क का संबंध जल संघनित्र के एक सिरे से कर देते हैं जबकि जल संघनित्र के दूसरे सिरे का संपर्क ग्राही से करते हैं। फ्लास्क को जल उष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, सिद्धांत अनुसार अभिक्रिया होती है और हमको क्लोरोफॉर्म और जल की प्राप्ति होती है। यहां से समझिएगा यहां जो आउटपुट है उसमें क्या मिलेगा क्लोरोफॉर्म। देखो ये चीज तो कट जाएगी, क्लोरल मतलब यूज हो जाएगा, ठीक है, क्लोरीन ये गैस के रूप में है, थोड़ा बहुत क्या आ जाएगा जल आ जाएगा या थोड़ा बहुत जल ये इसके अंदर पानी भरा हुआ था ना H2O, तो वो H2O भी वेपर के रूप में आगे आ सकता है। तो यहां पर संभावना तीन चीजों के मिलने की है, क्लोरोफॉर्म तो आ ही रहा है, थोड़ा बहुत जल जो भरा हुआ था अगर मान लो वो रिएक्शन ना करे, गर्म करके वो भाप में बदल जाए और भाप से सीधा अंदर चला जाए, तो यहां पर क्लोरोफॉर्म भी आएगा, जल भी आएगा और देखो थोड़ा बहुत HCl है वो भी आ जाएगा। तो यहां पर हम एक और चीज मान के चलते हैं कि इसमें एक चीज और आ गई, कौन सी, HCl। तो यहां पर हमारा जो क्लोरोफॉर्म मिला वो शुद्ध नहीं है, वो अशुद्ध है, वो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है। देखिए आगे लिखा भी है, देखो प्राप्त क्लोरोफॉर्म से शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करते हैं, तो क्लोरोफॉर्म तो हमको मिल गया बट ये अभी अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है, क्योंकि इसमें नंबर एक जल मिला हुआ है, नंबर दूसरा HCl मिला हुआ है। तो अब हम इसको शुद्ध कैसे करते हैं, तो आप सबसे पहले याद रखिए इस अम्ल की अशुद्धि को हटाने के लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, क्षार NaOH मिलाते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि इस तरह से जो क्लोरोफॉर्म हमको मिलता है वो अशुद्ध होता है, उसमें अम्ल तथा जल की अशुद्धियां रहती हैं। पहला काम तो हम ये करते हैं कि पृथक्कारी कीक लेते हैं। देखो जल और क्लोरोफॉर्म एक दूसरे में मिक्स नहीं होते, ऊपर तैरता है जल, नीचे होता है क्लोरोफॉर्म, तो आप एक कीक में से उसको डालिए तो जल ऊपर वाला अलग हो जाएगा और क्लोरोफॉर्म मैक्सिमम नीचे आ जाएगा। तो जिस कीप की सहायता से हम क्लोरोफॉर्म और जल को अलग करते हैं उस कीप को हम बोलते हैं पृथक्कारी कीप। तो पृथक्कारी कीप से हम जल और क्लोरोफॉर्म को पहले अलग कर लेते हैं, 100% अलग नहीं होगा, उसमें थोड़ा बहुत अभी भी जल होगा, थोड़ा बहुत अम्ल होगा। तो अब हम लोग जो अम्ल की अशुद्धि है उसको दूर करने के लिए पहले क्या मिलाएंगे, NaOH। तो NaOH HCl से क्रिया करके NaCl बनाएगा और जल बनाएगा, NaCl तो अघुलनशील होता है, नीचे बैठ जाएगा, जल अभी पहले से भी था और जल अभी नया बन गया, उस जल को दूर करने के लिए अब हम इसमें क्या मिलाएंगे, निर्जल NHCl2, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मिलाएंगे। तो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड जल को अवशोषित कर लेगा और शुद्ध क्लोरोफॉर्म आपको प्राप्त हो जाएगा। ये हमारी इसकी विधि। देखिए विधि को मैं दोबारा से रिकॉल कर रहा हूं, आप उसी भाषा को स्टॉप करके लिखते चलिएगा। एक गोल पेंदी के फ्लास्क को, एक गोल पेंदी के आसन फ्लास्क में ब्लीचिंग पाउडर तथा जल का पेस्ट लेकर उसमें एथिल अल्कोहल अथवा एसीटोन मिलाकर स्टैंड पर कस लेते हैं। फ्लास्क के ऊपरी सिरे का संपर्क जल संघनित्र के एक सिरे से करते हैं, जल संघनित्र के दूसरे सिरे का संपर्क ग्राही से करते हैं। आसवन फ्लास्क को जल उष्मक पर रखकर बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं, सिद्धांतानुसार अभिक्रिया होती है और हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। इस क्लोरोफॉर्म में जल तथा अम्ल की अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, इसलिए इसे हम अशुद्ध क्लोरोफॉर्म कहते हैं। उसके बाद हेडिंग लिखिएगा क्लोरोफॉर्म को शुद्ध करने की विधि, उसमें क्या लिखेंगे, इस प्रकार प्रयोगशाला में प्राप्त अशुद्ध क्लोरोफॉर्म को सर्वप्रथम पृथक्कारी कीप से जल से पृथक किया जाता है, तत्पश्चात अम्लीय अशुद्धि को दूर करने के लिए उसमें NaOH मिलाते हैं एवं जल की अशुद्धि को दूर करने के लिए उसमें निर्जल CaCl2 मिलाया जाता है, समस्त जल निर्जल CaCl2 द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इस प्रकार हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म की प्राप्ति होती है और उस क्लोरोफॉर्म को हम एकत्रित कर लेते हैं।
अब यहां पर जानने वाली बात यह भी है कि क्लोरोफॉर्म हमको मिल गया, शुद्ध क्लोरोफॉर्म मिल गया। अब उसके आगे देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, क्लोरोफॉर्म को काले रंग की बोतलों में मुंह तक भरकर क्यों रखते हैं तथा इसमें अल्प मात्रा में एथिल अल्कोहल क्यों मिलाते हैं। अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। तो आई थिंक आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा, पहले देखेंगे सिद्धांत, फिर बनाएंगे चित्र, फिर बोलेंगे विधि। अब उसके बाद जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है उसमें हम लोग इसको कैसे सीखते हैं उसको आइए देखते हैं। ठीक है, देखिए तो हमारा ये था, अभी हम लोगों ने क्लोरोफॉर्म जो बनाया था वो अशुद्ध बना था पहले, फिर उसको हमने शुद्ध कर लिया। अब हम बात करते हैं इसको रखेंगे कैसे। देखो क्लोरोफॉर्म को जो रखना या जो उसको प्रिजर्व करते हैं उसका जो हेडिंग है वो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है क्लोरोफॉर्म का संरक्षण या प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। देखो क्लोरोफॉर्म का जो संरक्षण है ये अलग से आपसे एक नंबर में पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को संरक्षित कैसे रखते हैं। तो क्लोरोफॉर्म को संरक्षित रखने के लिए जो हमारी विधि है उस विधि को हम पहले समझ लेते हैं, तब हम फिर क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले जो हमारे पास बोतल रहेगी वो ब्लैक कलर की रहेगी। किस कलर की रहेगी? ब्लैक। अगर ब्लैक कलर नहीं है तो कोई भी कलरफुल बोतल आप ले सकते हो, डार्क कलर की होनी चाहिए। ठीक है, ब्लैक कलर की बोतल। नंबर दूसरा काम आपको ये करना है कि उस पूरी बोतल को जब क्लोरोफॉर्म भरेंगे शुरुआत में तो हम कोशिश करते हैं कि ऊपर तक भरी रहे, फुल भरी रहे बोतल, कोशिश करते हैं। फुल नहीं भर सकते हो तो आप बहुत लेस स्पेस छोड़िए और उसके अंदर की एयर को पूरा बाहर निकाल लीजिए, इस तरह की बात हो रही है। ठीक है, तो दूसरा काम करते हैं कि हम मुंह तक भरते हैं। ठीक है, फुल भरेंगे। और तीसरा काम हम ये करेंगे कि इसमें थोड़ा सा क्या मिला देंगे, एथिल अल्कोहल मिला देंगे। क्या मिला देंगे? एथिल अल्कोहल। मतलब कहने का यह हुआ कि क्लोरोफॉर्म को हम काले रंग की बोतल में मुंह तक भरकर रखते हैं और उसमें अल्प मात्रा में एथिल अल्कोहल मिला देते हैं। अब बात आती है ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों का आंसर समझने से पहले हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कर चुके हो, प्राप्त क्लोरोफॉर्म से शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करते हैं कर चुके हो, क्लोरोफॉर्म को काले रंग की बोतलों में मुंह तक भरकर क्यों रखते हैं तथा इसमें अल्प मात्रा में एथिल अल्कोहल क्यों मिलाते हैं, इसका आंसर हम लिखने वाले हैं। तो देखो इसका आंसर लिखने से पहले आपको एक इक्वेशन याद होनी चाहिए। इक्वेशन क्या याद होनी चाहिए कि ये जो क्लोरोफॉर्म होता है अगर हम इसको वायु में खुला छोड़ दें, मतलब अगर इसको ऑक्सीजन मिल जाए और साथ ही साथ क्या मिल जाए, सूर्य का प्रकाश मिल जाए, मतलब क्लोरोफॉर्म जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से या ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है और एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाता है जिसका नाम या जिसका फॉर्मूला है COCl2। इसको हम बोलते हैं फॉसजीन गैस। ध्यान रखिएगा क्या बन रही है, फॉसजीन गैस, या इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, दोनों नाम है इसके, फॉसजीन गैस नाम होता है या इसका नाम होता है कार्बोनिल क्लोराइड गैस। और ये गैस कैसी है, विषैली गैस है, और विषैली गैस है और इससे क्या होता है आप थोड़ी देर के लिए सोचिए। सपोज है हमें किसी व्यक्ति को क्लोरोफॉर्म से बेहोश करना है, आपको पता भी होगा हमने शुरुआत में बताया था कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग हम निश्चेतक के रूप में करते हैं, बेहोश करने के लिए करते हैं। तो सपोज है हमें किसी व्यक्ति को बेहोश करना, मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूं, ऐसा करते नहीं है। ठीक है, सपोज हमें किसी को क्लोरोफॉर्म से बेहोश करना है तो हमने रूमाल पर क्लोरोफॉर्म लिया और फिर गए उसके पीछे से और पीछे रूमाल लगा दिया और वो बेहोश हो गया, ऐसा आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों वगैरह में। तो बेसिकली क्लोरोफॉर्म को अगर हम रूमाल पर रखते हैं और 2-5-7 मिनट अगर हम उस रूमाल को ऐसा खुला छोड़ते हैं तो वहां क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश में उस ऑक्सीजन से क्रिया करके कौन सी गैस बना लेता है, फॉसजीन गैस। तो क्लोरोफॉर्म तो व्यक्ति सूंघेगा ही, बेहोश तो होगा ही, साथ ही साथ वो कौन सी गैस सूंघ सकता है, फॉसजीन गैस। और फॉसजीन गैस की सपोज है मात्रा अधिक चली गई, अधिक मात्रा में उसने सूंघ ली तो पता चला वो होश में ही नहीं आ रहा, वो परमानेंट बेहोश हो गया, मतलब उसकी डेथ तक हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफॉर्म का उपयोग हम निश्चेतक के रूप में करते हैं, एनेस्थेटिक के रूप में करते हैं, बेहोश करने में करते हैं। अगर हम इसको शुद्ध नहीं रखेंगे, सही तरीके से प्रिजर्व नहीं करेंगे तो उसमें कौन सी गैस बन जाएगी, फॉसजीन गैस बन जाएगी। और हम चाहते हैं कि ये फॉसजीन गैस न बने या फॉसजीन गैस के बनने की दर घट जाए, और यही वजह है कि हम प्रिकॉशंस लेते हैं, सावधानियां लेते हैं,
काले रंग की बोतल। जब हम काले रंग की बोतल लेंगे तो सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा, अरे सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। दूसरा, हम मुंह तक भर के रखते हैं, मुंह तक भर के रखेंगे तो ऑक्सीजन आएगी कहां से, तो ऑक्सीजन को रोकने के लिए हम मुंह तक भर के रखते हैं। काले रंग की बोतल इसलिए रखते हैं क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश ना मिल पाए, और एथिल अल्कोहल इसलिए मिलाते हैं क्योंकि एथिल अल्कोहल एक मॉडरेटर का काम करता है। जैसे देखा होगा दो लोगों के बीच की कोई लड़ाई है, दो दोस्त हैं, उन दो दोस्तों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, अगर कोई तीसरा व्यक्ति आकर के चुगली कर दे यार वो तो तुम्हारी बहुत बुराई कर रहा था, और कोई दूसरे से बुराई कर दे यार यार ये तुम्हारी बहुत बुराई कर रहा था, दोनों के बीच में ठन गई, तो इसका मतलब तीसरे व्यक्ति ने खुद जाके लड़ाई नहीं कराई, दूसरे के कान भर दिए। तो तीसरा व्यक्ति जो है वो क्या काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है। तो उत्प्रेरक लड़ाई करवा भी सकता है और वो व्यक्ति दोस्ती भी करवा सकता है। इसी तरह से उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं वो कहलाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और जो अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं वो है ऋणात्मक उत्प्रेरक। जो एथिल अल्कोहल अगर हम इसमें मिला दें, अगर हम इस रिएक्शन में थोड़ा सा क्या मिला दें, एथिल अल्कोहल मिला दें, तो नंबर एक ये काम ऋणात्मक उत्प्रेरक का करेगा, मॉडरेटर का काम करेगा और ऋणात्मक उत्प्रेरक का काम करेगा। इसका मतलब ये रिएक्शन अगर थोड़ी बहुत हो भी रही होगी तो ये रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। साथ ही साथ अगर ये जो फॉस्जीन गैस हमारी बन गई है ये एथिल अल्कोहल से रिएक्शन भी कर लेती है। देखो एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगी तो हमको मिलेगा CaO OC2H5 का होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं डाई एथिल कार्बोनेट, ठीक है, इसका नाम होता है डाई एथिल कार्बोनेट, ये भी बन जाता है। अगर थोड़ा बहुत बन भी गया होगा फॉस्जीन तो ये उसके रिएक्शन भी कर लेता है। तो इस तरह से हम अपने आंसर को क्या लिखेंगे कि क्लोरोफॉर्म सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से या ऑक्सीजन से क्रिया करके फॉस्जीन गैस बनाता है, कार्बोनिल क्लोराइड गैस बनाता है जो कि विषैली प्रवृत्ति की होती है, जिस वजह से क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक के रूप में नहीं किया जा सकता है। इस घटना को रोकने के लिए या इस प्रक्रिया को रोकने के लिए या क्लोरोफॉर्म को विषैला होने से बचाने के लिए हम क्लोरोफॉर्म को काले रंग की बोतलों में रखते हैं, जिससे सूर्य का प्रकाश क्लोरोफॉर्म तक नहीं पहुंच पाता है। साथ ही साथ बोतलों को मुंह तक भरकर रखते हैं जिससे ऑक्सीजन क्लोरोफॉर्म तक नहीं पहुंच पाती है। साथ ही साथ उसमें एथिल अल्कोहल भी मिला देते हैं जिससे फॉस्जीन बनने की जो प्रक्रिया है उसकी दर घट जाती है, और जो थोड़ा बहुत फॉस्जीन गैस बनता है वो एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके एथिल कार्बोनेट में बदल जाता है जो कि जहरीला पदार्थ नहीं होता है। इसीलिए हम क्लोरोफॉर्म को सुरक्षित रखने के लिए काले रंग की बोतलों में मुंह तक भरकर और अल्प मात्रा में एथिल अल्कोहल मिला करके रखते हैं, और इस तरह से जब आप अपना आंसर लिख दोगे, इस समीकरण को लिख दोगे, तब आपका ये पूरा कंप्लीट सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सभी लोग वीडियो को बार बार रिपीट करके अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन गलत ना हो। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अभी क्लोरोफॉर्म की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, एक क्लास रिएक्शन है, वो सब हम अपने सेकंड वीडियो में कवर कर देते हैं, क्योंकि एक साथ अगर कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आपको इरिटेशन होगा। इसलिए बेहतर होगा कि आप इस चीज को अच्छे से सीख लीजिए। जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, और जिन्होंने नहीं देखना है तो वो आज से शुरू करिए। अब जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो फ्रेश टॉपिक है, और उस फ्रेश टॉपिक से आप अच्छे से अगर रेगुलरिटी से मेंटेन करके रोज लिखोगे, रोज पढ़ोगे, तो आप अच्छे तरीके से केमिस्ट्री को सीख पाओगे। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूरतमंद बच्चों तक